नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए एक नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। आलू किसानों के सामने खड़ी भंडारण की चुनौती। भंडारण की समस्या के चलते कम दाम पर बिक रहे आलू। आंदोलनकारी शख्स ने रोकी अजय देवगन की कार। किसानों के हक में करो ट्वीट राजदीप। संयुक्त किसान मोर्चा संघ का संचालन करेंगी महिला किसान। किसान मोर्चा ने बनाया आने वाले दिनों में आंदोलन का नया प्लान। खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। एक तरफ जहां सर्दियों की शुरुआत में आलू के दाम में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, तो वहीं बंपर आलू का उत्पादन इन दिनों यूपी के रायबरेली जिले के किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, जिसके चलते किसान हताश और परेशान हैं। आपको बता दें कि एक तरफ फसल बेहतर हो इसके लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फसल को जंगली जानवर से बचाते हैं। हालांकि अधिक फसल उत्पादन पर उनके सामने फिर भंडारण की समस्या के चलते किसान की मुसीबत जो है वो और बढ़ जाती है। ऐसे में जिला उद्यान विभाग के आंकड़ों की माने तो जहां पिछले साल करीब 1,15,000 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था, वहीं इस बार आलू का उत्पादन जो है वो करीब 2,50,000 मीट्रिक टन रह सकता है, जबकि जिले में मौजूद कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज की जो क्षमता है वो महज 1,97,000 मीट्रिक टन है। ऐसे में किसानों को आलू भंडारण की समस्या से जूझना पड़ सकता है। साथ ही अधिक उत्पादन के चलते किसानों का जो आलू है वो 700 से 750 प्रति कुंटल की दर से व्यापारी खरीद रहे हैं, जबकि यही आलू वो खुद 1,300 से 1,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं। कृषि कानून के विरोध को लेकर जहां कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई सेलिब्रिटी और लोगों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, वहीं उस मामले में टूल किट सामने आने के बाद कई फिल्मी सितारों ने देश के समर्थन में ट्वीट भी किया था। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने भी इस पर ट्वीट कर देश के साथ खड़े रहने की बात कही थी। हालांकि अजय देवगन ने खुद को किसान आंदोलन से दूर रखा था। ऐसे में बीते मंगलवार को कृषि विरोध से जुड़े एक शख्स ने अजय देवगन की कार रोकी और उन पर किसानों का समर्थन न करने का आरोप लगा दिया। किसान आंदोलन से अपना लगाव बताने वाले ये शख्स राजदीप सिंह हैं। वहीं गाड़ी को रोककर किसान आंदोलन पर बोलने वाले शख्स के बारे में अजय देवगन ने पुलिस को सूचना भी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजदीप को गिरफ्तार कर लिया और अजय देवगन की कार को जाने दिया गया। तो इस दौरान राजदीप ने अजय देवगन पर चिल्लाते हुए कहा कि किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि आपने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया। 97 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के 100 दिन होने में महज 3 दिन और रह गए हैं। ऐसे में किसानों ने आंदोलन के 100 दिन होने को लेकर अपनी तैयारियां भी बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि आने वाली 6 तारीख को जहां किसान दिल्ली बॉर्डर से जोड़ने वाली सड़क केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे नाकाबंदी करेंगे, तो वहीं इसमें 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है इसका समय। साथ ही आंदोलनकारी मोर्चा का कहना है कि टोल प्लाजा को भी टोल मुक्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, 100 दिन के उपलक्ष्य में किसान अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे, जबकि आने वाली 8 तारीख यानी कि महिला दिवस को किसान महिला किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिन संयुक्त किसान मोर्चा को महिलाओं द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जबकि 15 मार्च के दिन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर किसान निजीकरण विरोध दिवस के तौर पर मनाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में किसान मोर्चा आंदोलन को गति देने और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की खातिर हर रोज अलग अलग कदम उठाने की तैयारियों में है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।